इनका दबाओ, दबाएं ना, इधर से पैर खींचो, ठीक ठीक दोनों पैर खींचो जी जी, सीधा खींचो, भाई हमारे कुबेर भैया जी लगे हुए हैं, दिन भर लावारिस देखते हैं, दिन भर एक लावारिस नहीं ओपीडी भी संभालते हैं, खींचो और खींचो जी जी, ये खड़े हो जी, ज्यादा खींचे हैं तुमको लगता है दर्द महसूस हो, इसीलिए घाव नीचे है हमारे समस्या मालूम है, दिन भर बिचारे दिन भर लावारिस देखते हैं, शाम को हम पकड़ लेते हैं इनको, 24 घंटे की ड्यूटी हमारे कुबेर भैया कर रहे हैं, इसीलिए इनको लोग आज बाहर से लोग फोन करते हैं, घर में ही पूजा है बस और कुछ नहीं जी जी, आप ही लोगों से तो हम लोग सीखते हैं, आप लोगों का तो पूरा 20-30 साल का अनुभव ऐसा काम करते हुए, सरकारी आदमी फालतू में ही बदनाम है, वरना जितना आदमी सरकारी लोग काम करते हैं उतना है जो प्राइवेट आदमी काम नहीं करता, प्राइवेट आदमी हाथ लगाएगा तो पैसे से ठीक होएगा, ज्यादा टाइट ज्यादा टाइट नहीं करना है वो, उतने बाढ़े हैं तो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, देख सकते हैं 13 जनवरी 2022 की दूसरी फाइल है, किस तरह से लग करके काम कराना पड़ता है तब जा करके, और फिर भी इस गाय को बचा पाना हमारे समझ से भैया बहुत मुश्किल है ना, इसका पैर टूटने की वजह से खाती पीती गाय सिर्फ अपने पैर की वजह से ये अपना, देखिए कब तक यहाँ जीती हैं क्या करती हैं, और यहाँ आए दिन ऐसे जानवर लगे रहते हैं, आए दिन यहाँ जानवर लगे रहे जी जी, देख ये है हमारे कुबेर भैया, इनका बड़ा सहयोग है, कंपाउंडर साहब है बेचारे, सरकारी तौर पर है वरना कहाँ हम इनके लिए किसको ढूंढते, ढक्कन वही है यहाँ नहीं, अभी अभी कितने दिन हमको अभी कब खुलवाएंगे पट्टी हम, 3-4 दिन बाद, 3-4 दिन बाद, इसमें आप कीड़े वगैरह तो पड़ेंगे नहीं, ना ठीक ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जाते हैं इनके लिए कुछ सब्जी वगैरह ले आते हैं, हाँ कुछ ले आते हैं, दे देते हैं, दे दे, ठीक ठीक बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, क्योंकि है जो ये काम कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं अपना काम कर रहा हूँ मुझे धन्यवाद जरूर है, नहीं नहीं फिर भी बहुत बड़ी बात है, खैर चलते हैं इनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करते हैं, Thank you.
पर छिलका वगैरह नहीं रखे हो क्या? और क्या छिलका? कितना हुआ बोले? कुछ ऐसे खोल करके सिम डाल दो पाली। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, इसको खोल के सिम डाल दो। तो ये मेथी ले लीजिए ना। क्या रेट है? है? अच्छा ये इसको डाल दो। कुछ तुम्हारे पास छिलका वगैरह नहीं बचता क्या गोभी उभी का? गोभी का छिलका भैया नहीं है। नहीं बांटते चले जाते हैं। बांटते क्या, वो बैठी हुई है ना गाय, पैर टूटा है। गोविंद सिंह के नाम से जो सर्च करना मिलेगा तुम लोग को डालते हैं उसमें। राइट कर लेंगे। हाँ हाँ बहुत अच्छा। पब्लिक ऐप पे डालते हैं क्या? नहीं पब्लिक ऐप पे नहीं, अमन किसी पे, केवल यूट्यूब पे डालते हैं। मोबाइल ले सकते हैं? मोबाइल दे दो भाई, सब्जी दे के आओ। क्लास नहीं कि तुरंत आओ, नहीं राजू आ नहीं। हाँ हाँ जल्दी आ रहे हैं भाई। पानी कुछ यार छिलका वगैरह हो सके तो रख लिया करो कल से, है ना? कल से रखना। भूखी रहती बेचारी बैठी रहती दिन भर, कोई अस्पताल के अंदर का मामला है, कोई वहाँ देने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा काम कर रहे। अरे अच्छा किया, आप उसकी सहायता हो जाती है। ये लो चलते हैं भाई, कुछ थोड़ा बहुत भोजन की व्यवस्था किया है, आगे देखते हैं। दिन भर से भूखी प्यासी बैठी हुई इस गाय के लिए थोड़ा बहुत व्यवस्था करके लाए हैं। देखिए इससे तो कुछ शहरों में जा चारा वगैरह उतना मिल नहीं पाता, थोड़ी सी सब्जी वगैरह है ले आते हैं। देख सकते हैं ये हमारी गाय, लावारिस तौर पर यहाँ पर आते रहते हैं गाय जानवर, ताकतवर चीजें। इससे खैर इनको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन अब आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी गाय को भरपेट खाना मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पाता है। तेरह जनवरी 2022 की सेकेंड फाइल है ये, आप लोग देख सकते हैं। पशु सेवा में लगे हुए श्याम साधु जी के कार्य को आगे बढ़ाता हूँ, मैं बढ़ा रहा हूँ, प्रयास चल रहा है। ऐसे न जाने कितने जानवर यहाँ आते रहते हैं हॉस्पिटल में। सरकार से हमारा यही कहना है कि ऐसे जानवरों के लिए उचित व्यवस्था की जाए, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं, लोगों के पास नियत की कमी है केवल। बस जो सरकारी लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, उनमें थोड़ा सा नियत जाग जाती तो इन पशुओं का थोड़ा सा कल्याण हो जाता। तो 13 जनवरी 2022 आप देख सकते हैं कि कितना प्रयास करने के बाद थोड़ी बहुत मदद, ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ी बहुत मदद इनको मिल जाती है, हल्की फुल्की, जो कि इनके लिए पर्याप्त नहीं है। इनको और सुविधा मिलनी चाहिए और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, इनका अच्छे से ख्याल रख। एक एक आप जैसे बीमार होते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि आपका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, ख्याल रखा जाए, आपका थोड़ा केयर हो, आप भूखे ना रहें। वहाँ हॉस्पिटल्स में भोजन मिलना चाहिए, पर ऐसी कोई व्यवस्था ना तो सरकारी अस्पताल में इंसानों के लिए है तो पशुओं के लिए कहाँ से होगी। तो हमारा बस यही लोगों से और इस सरकार से और इस समाज से बस यही कहना है, यही मांग है, यही प्रार्थना है कि कृपया करके
ऐसे जानवरों के लिए आवाज़ उठाएं, कुछ करें, और इस वीडियो को थोड़ा देखें, देखने से मनोबल बढ़ता है, और आपकी वीडियो देखने से हो सकता है और जानवरों को सहायता पहुंच सके। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। इसके पहले मैंने बंदर भोज कराया, आज बहुत कम बंदर मिले, तो चलते हैं फिर। जय श्री राम। इनको इनके हाल पर छोड़ करके कल फिर इनसे मुलाकात होगी, और आप लोगों को भी मैं इनसे मुलाकात करा दूँगा।